आज मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। एक तरफ किसान भाइयों, जो कर्जा माफी की बात आपसे कही गई थी, एक बात और ध्यान से सुन लेना, उस चक्कर में कई लोग डिफाल्टर हो गए, ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई, परेशान है, 0% ब्याज पे अब आपको कर्जा नहीं मिल रहा है। मतलब सुनो किसान भाइयों, इस बजट में प्रावधान कर रहा हूं, 0% ब्याज पे कर्जा मिल सके और डिफाल्टर आप ना रहो, आपके ब्याज की गठरी उतर जाए, इसलिए आपका ब्याज शिवराज सिंह चौहान भरवा के डिफाल्टर के कलंक से मुक्त कराएगा आपको। इस बजट में हम प्रावधान कर रहे हैं, उन्हें पाप किया लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, सरकार आपके साथ है। और इसलिए जनता के कल्याण की जितनी चीजें हैं, एक तरफ मां बहन और बेटी का सम्मान बढ़े, और इसलिए मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने तय किया कि मां बहन बेटी, विशेषकर बेटी की तरफ अगर किसी ने गलत नजर उठाई तो सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा, उसको हम छोड़ेंगे। कई लोगों को फांसी की सजा हुई है, बुलडोजर चलता है तो अलग चलता है, आपको पता है, सीधे आदेश है कि गड़बड़ ऐसी कोई करे तो फिर कमर तोड़ दो पूरी तरह से, इस लायक ही नहीं बचे कि वो कभी फिर ऐसे अन्याय अत्याचार कर सके। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने के लिए ये विकास यात्राएं चल रही है। मैं यहाँ के विधायक जी, हमारे सभी विधायक विकास यात्राएं कर रहे हैं, सांसद जी भी जितना समय मिलता है विकास यात्राएं करते हैं। ये विकास यात्रा काय के लिए, एक विकास के कामों के लिए लोकार्पण शिलान्यास, दूसरे सीएम जन सेवा अभियान में जिसके स्वीकृति पत्र बांटने मैं सीधी आया था, जितने लाभ स्वीकृत हुए हैं वो लाभ हम गांव गांव में दे दें। और तीसरी बात और ध्यान से सुन लेना, अभी मैं अपने बच्चों से मिला, कोविड के दौरान जिनके माता पिता चले गए, अनाथ हो गए वो, लेकिन मामा के रहते हुए कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। बहनों और भाइयों, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा।